नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र अर्चना एग्रोटेक से, और आज आपको मैं एक सीड ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा जो कि बंजर भूमि में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। ये आपकी 95% जर्मिनेशन देता है, उसके साथ साथ खेत में किसी भी प्रकार का फंगस या वायरस या किसी भी प्रकार का कीड़ा खेत में आता है जिसको ये रोकथाम करता है। ये देखिए, ये सीड ट्रीटमेंट है और ये अर्चना एग्रोटेक कंपनी का है। अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं, ये हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम आपको ये ज़मीन दिखाते हैं जिसमें ये बहुत सारी कंकड़ भी है और ये बंजर जमीन से उठाई हुई मिट्टी है जिससे हमने अपने यहाँ पर भराव करा था। ये देखिए, आपको इसमें जगह जगह मिट्टी में कंकड़ दिखाई देंगी, हेरी, और काफ़ी बंजर जमीन है ये की मिट्टी है ये, जिसमें हम आपको ये देखिए कितनी कंकड़ है इस मिट्टी के अंदर। इसमें हम आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। ये हमारे चने के बीज हैं और ये हमारा सीड ट्रीटमेंट, ये हमारा पानी और ये हमारी कंपोस्ट। ये वही कंपोस्ट है जो गाय भैंस के गोबर से तैयार होती है। इसे करना बहुत आसान है। ये 40 लीटर पानी के लिए है, 40 लीटर पानी में इंक्लूड होता है, क्योंकि हमारे पास पानी 8 से या 10 लीटर के करीब बीज में ही है। ये पानी 8 से 10 लीटर के बीच में ही है, ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम 1/3 यानी कि 1/3 पानी में डाल लेते हैं। ये लगभग 1/3 हमने डाल लिया। डालने के बाद ये प्योर ऑर्गेनिक है, किसी भी तरह का इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो इसलिए आप बेफिक्र होके इसके अंदर अपना शरीर का कोई भी पार्ट यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये पानी हमने इससे मिक्स कर लिया। करना क्या है दोस्तों, अब ये हमारी कंपोस्ट है, जितना पानी हो उतनी ही कंपोस्ट ले। और इस सारे पानी को इस कंपोस्ट में मिक्स कर लें, मिला लें अच्छी तरह से, मिलाने से मॉइस्चर आपकी रहनी चाहिए कंपोस्ट के अंदर, 50% मॉइस्चर जरूर चाहिए। ये देखिए, कंपोस्ट हमने अच्छी तरह मिला दी। कंपोस्ट का मैच लिए ये इस तरह निकल जाए तो समझो इतनी हमारी मिक्सिंग हो चुकी है। अगर 10 किलो कंपोस्ट है तो 10 लीटर हमारा पानी होना जरूर चाहिए। ये आपको सैंपल के तौर पे दिखाए जा रहे हैं।
कंपोस्ट हमने इस मिट्टी में कंपोस्ट हमने इस मिट्टी में मिला।